और हम लोग दिल्ली सरकार के स्कूलों को बेहतर हमने बनाया है, हमने नई बिल्डिंग बना के है, उसके आगे बिल्डिंग करनी है। पूरे स्कूल में अभी इसी तरह की बिल्डिंग बनेगी। मैं हफ्ते में एक दिन अपनी विधानसभा के किसी न किसी स्कूल में मैं सरप्राइज विजिट कर रहा हूँ। मेरा ये जोर है कि बच्चे जो भी वहाँ हो, डिसिप्लिन में हो, टीचर्स क्लास के अंदर क्लास ले और बच्चे यूनिफॉर्म के अंदर हो, 100% वो यूनिफॉर्म पहने, क्लास स्कूल की जो यूनिफॉर्म है, शर्ट है, पैंट है, जूता है, सॉक्स है, टाई है, बेल्ट है, तो जो वाले ने मेरी उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चे को 100% यूनिफॉर्म पहना करके भेजें। आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त है। कल के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था और ये आज़ादी सबकी मेहनत से मिली थी। इसमें हर एक मजहब का आबादी के हिसाब से बराबर योगदान था। अगर हम उस वक्त में अगर हमारे दिलों के अंदर नफरत होती तो शायद आज हम आज़ाद नहीं होते, मुल्क आज हमारा आज़ाद नहीं होता। उस वक्त में भी कोशिश की थी अंग्रेजों ने कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म किया जाए, लेकिन उस वक्त में बुजुर्गों ने, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने, बुजुर्गों ने बैठ करके उनके इस एजेंडे को कामयाब नहीं होने दिया। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे हमारे मुल्क के अंदर ताकतें हैं जो हमारे इस भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन मुझे अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है और हिंदुस्तान की पूरी आवाम से, मुल्क की पूरी आवाम से ये उम्मीद और यकीन है कि वो अपने इस मिशन में, जो वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को आपस में बांटना चाहते हैं, इस मुल्क में नफरत पैदा करना चाहते हैं, धर्म की बुनियाद पर मुल्क में सत्ता को अपना ली इसको बाकी रखना चाहते हैं, वो कामयाब नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर है, मुसलसल हम मेहनत कर रहे हैं और हम डेवलपमेंट पर काम करते हैं।